ओह माय गॉड, एक तरफ शर्लिन और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। बहुत बुरा फंसी हूँ। स्टूपिड गर्ल, थैंक गॉड मेरा फोन ठीक है। Come on, get up. Get up, get up. मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। आप सबसे पहले मैनेजर के पास चलिए, आप सब कुछ बताइए। चलिए। प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। देखने में अच्छे करके लगते हैं, ऐसी हरकत करते हैं। चलिए कमान, मैनेजर के पास चलिए। एक मिनट, उसको अकेले लेके जाओगे तो आधी ड्यूटी होगी, क्योंकि मैं भी इनके साथ। बहुत अच्छा, चलो तुम ही चलो। तुम्हारे बगैर ना मैं सैड हो गया। ये कोई मजाक की बात है क्या? हाँ यार मजाक। जल्दी अरे रुक क्यों गई? चलो जल्दी जल्दी इस गाड़ी में जल्दी बैठो। पकड़ो 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 पकड़ो, तुम काली गाड़ी में। चलो 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 चलो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ये कब हो? मतलब प्रीता ने तो कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे आंटी जी मैं समझाता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे और प्रीता के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। वो होती है ना कपल्स के बीच में, वो मीठी अनबन, बस वही और कुछ नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपसे मिल लूंगा, आपसे बात कर लूंगा, आपका आशीर्वाद ले लूंगा। लेकिन और आपको भी तो ये जानने का पूरा हक है ना कि प्रीता किससे शादी करने वाली। अरे आंटी जी आपके पति ने चुना है मुझे। रघुवीर जी तो मुझे बहुत पसंद करते थे दामाद के रूप में। वो हमेशा कहते थे कि दीपक प्रीता के लिए सबसे बेस्ट जीवन साथी। लेकिन प्रीता ने तो मुझसे कभी इस बारे में बात नहीं करी। अरे आंटी जी मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी सी नाराज है मुझसे। उस दिन गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन क्या करूं, प्रीता से ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकता मैं। सीधा जहां चला आया उसे ढूंढते ढूंढते मुंबई। आंटी जी प्रीता से मैं बेहद प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता मैं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार, और ये सब वो भी जानती है। दुनिया में ना बहुत किस्म के लोग होते हैं। हाँ कुछ होते हैं हमारे स्पेशल दोस्त, आपकी मदद के लिए कभी भी आ जाए, और कुछ होते हैं हाय हेलो वाले जो आज रहते हैं और कल नहीं, ऐसे टाइप का है वो। लेकिन सृष्टि ने तो कहा था। आंटी जी सृष्टि, आपको तो पता है उसमें कितना बचपना है। एक्चुअली उसे पता क्या लगता है कि मैं उससे उसकी बहन को छीन रहा हूँ, इसीलिए वो मुझे पसंद ही नहीं करती। बताइए आंटी जी एक बात बताइए, आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपका कोई बेटा भी नहीं है ना? तो मैं आपका बेटा बनूंगा, और प्रीता प्रीता को तो मैं जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा, और सृष्टि को कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। आंटी जी मैं आपके लिए बेटा, सृष्टि के लिए भाई, और प्रीता के लिए एक होनहार हस्बैंड। बस आंटी जी इस रिश्ते को आशीर्वाद दे दीजिए बस। हाँ वो प्रीता बहुत ही समझदार लड़की, अगर उसने तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे वाह, जो चाहता था वो तो बड़ी आसानी से हासिल हो गया। अब मैं प्रीता से ये कहकर दबाव डाल सकता हूँ कि उसकी माँ ने हमारा रिश्ता मंजूर किया है। तो माता जी मैं अपने पेरेंट्स को कब बुलाऊं सगाई के लिए? क्या अभी तक सगाई नहीं हुई और तुम खुद को इस घर का दामाद कह रहे हो? अब वो एक्चुअली सगाई कैंसिल हो गई थी। कैंसिल हो गई थी? कैंसिल क्यों हो गई थी? आंटी जी वो रघुवीर अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो क्या वजह बताऊं, हमारी तो प्रॉपर्टी की डिमांड थी, ये तो नहीं बता सकता। तो कैसे होती आंटी सगाई? रघुवीर अंकल की अचानक से मौत हो गई, हो नहीं पाई आंटी। मैं आती हूँ। ये आंटी आती चले गए बीजी, हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए बीजी। आपको छोड़ के मुझे छोड़ के चले गए। अब वो दुनिया से चले गए बीजी। अब वो कभी नहीं, वो हमेशा के लिए चले गए। क्यों रो रही है उस आदमी के लिए? अरे वो आज नहीं गए, कितने साल पहले हमारी जिंदगी से चला गया था। आज तो तुझे सिर्फ उसकी खबर मिली। वो चले गए थे लेकिन फिर भी एक उम्मीद कि शायद वो कभी वापस आ जाए, पर आज उम्मीद भी खत्म हो गई बीजी। वो उम्मीद भी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन वो तुझे छोड़कर चला गया। तेरी जैसी सती सावित्री बीवी को छोड़कर दो छोटे छोटे बच्चों को तुझसे छीन के ले गया था। इकलौता बेटा था, मेरे संस्कार उसने भुला दिए और कितनी गिरी भी हरकत की उसने। तुझे दुख पहुंचा, मेरी पोतियां हमसे छीन के ले गया। मेरे लिए वो उसी दिन खत्म हो गया था। उसके लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए, वो था ही नहीं हमारे लिए। होता तो ये सब कुछ ना करता ना। ठीक कह रहे हो बेटी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी बेटी। आपको पता है ये माला मैं क्यों पहनती हूँ? कहती कि सुहागन का गला कभी खाली नहीं रहना। मैं सिर्फ इस उम्मीद में ये कहती थी कि तू इसे नहीं उतारेगी। बिल्कुल, ये तेरे सुहाग की निशानी नहीं। मेरा सुहाग तो चला गया था, अपने साथ अपनी यादें अपना सब कुछ लेके चला गया था। वो तो अपने बच्चे भी दो साथ में ले गया था, तुझे अकेला जूझने के लिए छोड़ गया था। तू ये कभी नहीं उतारेगी। मुझे अपनी सास नहीं मां मानती है ना, ये मेरी कसम है जो तूने इसको कभी उतारा था नहीं। तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, और औरत को कभी नहीं झुकना चाहिए। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता, उसका ध्यान नहीं रखता, ऐसे आदमी का क्या शौक मना? नहीं, मुझे भी देखो ना, मैंने जब अपनी बच्चियों को अपनी आंखों के सामने देखा, वो जो हमेशा अपने पापा के साथ रही, एक बार भी मैंने उनसे नहीं पूछा कि उनके पापा कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, वो कहाँ है। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। नहीं बेटा, तेरे से अच्छी बीवी तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बच्चों ने तुझे बताया नहीं, हो सकता है उन्होंने इस डर से तुझे ना बताया हो कि वो तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। प्यार करते हैं तुझसे, तुझे दुखी कैसे देख सकते हैं? एक कहना माने की माँ मानती है ना मुझे। तू भी उन पे जाहिर मत होने देना कि हमें पता है तुमको बहुत दुख हो, हम उन्हें नहीं बताएंगे। जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दे। सॉरी, आई डिडंट मीन टू, गलती से लग गया। इट्स ओके, अब ये तो निकालो। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। Really? Was it this simple? Sorry. Anyhow, देखो, आज शर्लिन को पकड़ने के हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, लेकिन कल हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। We can't waste any more time. चलो अब तुम जाओ, काफी लेट हो गया। Good night. Good night. करेली? हाँ। तुम्हें अपना नया नाम बहुत पसंद है ना, इसलिए एकदम रिस्पॉन्स देती हो। तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने कहा गुड नाइट। तो इसका मतलब ये इस क्रिकेटर के साथ डेट पे गई थी। मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट नहीं थे इसके पास, पर इसके साथ देर रात तक घूम के आ रही है। आज जो तुमने किया है ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें प्रीता। तुमने मुझे हर्ट किया है, धोखेबाज। अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे और कितना हर्ट करता हूं। अरे दरवाजा खुला किसने छोड़ दे? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।